आशा मदीर जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो 6 दिन से गायब थे क्योंकि आपको पता है रूटीन जो है वो बहुत टफ हुआ हुआ है अभी, और रोजों में जो है वो हम मुकम्मल तौर पे खाना ही खा रहे हैं रोजा इफ्तार के बाद, तो इसलिए कुछ था नहीं फिल्माने के लिए तो मैंने नहीं करा। लेकिन अब जो है वो ईद की तैयारी शुरू हो गई है तो सोचा आपके साथ भी जो है वो शेयर कर लो। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक वेबिनार चल रहा है, तो आजकल वेबिनार में मैं बड़ा बिजी हूँ, तो सोचा आपको भी बता दूं कि जो लोग नहीं जानते कि सेमिनार और वेबिनार ऑनलाइन कैसे होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एक प्लेटफॉर्म होता है उसके थ्रू हम लोगों को जो है वो व्हाट्सएप पे कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी जाती है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमें निकाल कर रखने होते हैं, फिर ऑनलाइन सेशन होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, और जो एक्सपर्ट होते हैं फिर वो हमें मेकअप करने की टेक्निक जो है वो सिखाते हैं, उसके बाद उसको हम ट्राई करते हैं। तो बस इस तरह से कुछ मसरूफियात में जो है वो दिन गुजर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कैप, अगर आपको याद हो तो मैंने व्लॉग में बताया था कि मैं एक कैप लेकर आई हूँ अपनी हाइलाइट्स करने के लिए, तो बस इसमें मैंने होल कर लिए हैं किसी पॉट के ऊपर रख के, ताकि थोड़ा सा मुझे इजी हो जाए। और उसके बाद सर ने जो है वो पतली पतली से बालों की चंक्स निकाल दिए हैं ताकि मैं इसको कलर कर सकूं। वैसे अगर जुनेद नहीं होते तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता, तो कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड से कह के ही जो है वो करवा लें। यहाँ पर कलर जो है वो मैंने प्रोफेशनल यूज करा है। तो आपको एक टिप देती चलूँ कि जो लोग भी घर में अपने बालों को कलर करना चाहते हैं वो लोग प्रोफेशनल कलर ही यूज करें, क्योंकि जब हम लोग कोई डाई यूज करते हैं तो वो हमारे बालों पे एक कोटिंग कर देती है, उसके बाद फिर प्रोफेशनल कलर जो है वो हमारे बालों पर नहीं चढ़ता। तो ये ब्लॉन्ड जो है वो आया है, इंटेंस ब्लॉन्ड नहीं है, बस इतना है कि ईद जो है वो हो जाएगी। फिर रोजे का वक्त हो गया था और मैंने बनाए थे कड़ी चावल, क्योंकि हमें जाना था मार्केट, और आपको पता है कि जब हम ईद की खरीदारी करने के लिए मार्केट जाते हैं तो हमारे पास वक्त जो है वो कम ही पड़ जाता है, और रोजे के बाद हालत जो है वो इतनी डल हो जाती है और हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, तो यूं भी खरीदारी जो है वो मुश्किल होती है। तो मैं और जुनेद जो है वो फिर मार्केट निकल गए थे, क्योंकि अम्मा ने जो है मुझे एक ड्रेस दिया था कॉटन का, उसे मैंने है ना बनवाया है, तो उसके ऊपर मुझे चुन्नी चाहिए थी, कुछ लेस मुझे लगानी थी और कुछ ज्वेलरी मुझे चाहिए थी। हमारे यहाँ पर ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये बहुत सस्ता मार्केट है, यहाँ पे हर चीज मिलती है, हर वैरायटी की चीज मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। मैंने मेरी खरीदारी जो है वो कर ली थी, लेकिन उसके बाद सर ने कहा कि आपने तो अपना हेयर कलर कर लिया है, मेरे लिए भी हेयर कलर लेने, तो बस मैं उनके लिए भी हेयर कलर लेने गई जी। फिर हम आ गए अपने घर और ये देखिए ये चुन्नी मैं लेकर आई हूँ, ड्रेस तो जो है वो आपको ईद पर ही देखने को मिलेगा, और ये इयररिंग मैं लेकर आई हूँ। हालांकि ये इयररिंग जो है वो काफी पुराने हो चुके हैं ये डिजाइन, लेकिन जो अंकल इसको लेकर खड़े हुए थे उनके हाथ में इसका पूरा स्टैंड था और उनको देखकर मुझे फील हो रहा था कि ये कैसे लेके खड़े हैं, इसलिए मैंने फिर ये इयररिंग जो है वो ले ली। और ये नेक पीस भी मैं लेकर आई हूँ गर्मियों के लिहाज से, और ये वॉकर जो है ये अम्मा ने मुझे दी थी तो ये भी इस पे सूट कर गई। तो जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।